घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ क्या हो गया। देखिए हाँ, आगे जितना मेहनत से जलाए थे सब पानी डाल के बुता दिए, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा ना कैसे बोले आपको, बताए तो भी दिक्कत, ना बताए तो भी मतलब मम्मी मतलब 9 बजे और हम अभी शॉप पे उठे हैं। सिमर जी पहले शॉप पे उठ चुके थे और कलर मतलब चुना घोले थे उसमें कलर मिला के रखे हुए थे, तो ये लोग कलर कर रहे थे। मेरे को तो हमको कुछ सामान मतलब चाहिए था पेंटिंग के लिए, तो मैं मतलब आ गई मार्केट। सीमा जी बोलते हम जाएंगे, तो फिर हम बोले कि नहीं हम चले जा रहे हैं, तुम रहो। और उसको उनको ऐसे भी नींद आ रहा था, तो हम बोले तुम आराम करते रहो। फैमिली बैक टू माई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे कमेंट करके बताना, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का खाना पीना हुआ कि नहीं और क्या किए और आप लोग कहाँ से, ये जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग में मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि मैं अपने चेवासा मतलब पहुँच चुकी हूँ घर। और हम लोग का घर अभी सबको दिवाली में आप लोग जानते हैं साफ़ सफाई कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है दिवाली के लिए। तो पिछले साल तो हम लोग नहीं किए थे, आप लोग सबको जानते हैं पिछले साल हम लोग कुछ नहीं किए थे, बस सजाए थे, साफ़ सफाई किए थे, बस कलर नहीं किए थे। तो इस साल हम लोग सोचे कि कलर करेंगे रूम को अपना मतलब अच्छी तरीके से, कुछ अलग डिफरेंट मतलब इस कलर करेंगे, कुछ अलग कलर से मतलब कलर करेंगे। तो उसी की वजह से सारा घर देख सकते हैं आते साथ हम लोग पूरा बिखार के रख दिए, किचन पूरा खाली कर दिएगा। इस किचन में कुछ नहीं है, किचन में मम्मी चाचा सोए हुए हैं और गैस चूल्हा धो के और कुछ बर्तन था, मैंने शाम को आई थी तो धोई थी 8-9 बजे, हाँ सारा बर्तन धो दिए। बस तब उस टाइम ब्लॉग हम स्टार्ट नहीं किए थे उस टाइम, तो फिर हम लोग का गैस भी ख़त्म हो गया था। तो मम्मी ढेर सारा लकड़ी लाई थी, तो हम जल्दी से चावल बना दिए, दाल बना दिए, आलू चोखा बना दिए, सब कोई खा के अभी आराम कर रहे हैं। हम सिमर जी और मोटाई अभी सफाई मतलब खाली कर रहे हैं घर को जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग कर सके घर को पेंट। और सिमर जी चूना लेके आए थे, वो भी भिगो के एक डेस्क में रख दिया, वो भी अच्छी तरीके से फूल गया। इतना खा ले तो क्यों खा रहे हो, फूल गया है। अब तुम कुछ बोल दो, क्या बोले, हम अच्छा खा रहे हैं, जहाँ लग रहा फिर भी खाने में भूख लग रहा है मुझे बहुत। खाना तो है खा लो, मुझे बहुत चीज खाने मन कर रहा है। अभी पिज्जा का याद है रात को इतना रात को। सो आप लोग अपना घर में साफ सफाई कर रहे हैं कि नहीं कमेंट करके बताना। और आप लोग का एक न्यू मतलब मेरा घर का हम लोग का घर का एक न्यू लुक देखने के लिए मिलेगा और कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो क्या देखने मिलेगा वो आप लोग पूरा ब्लॉग मतलब देखिएगा। और जितना भी जितना भी सामान है, जितना भी जो भी था पलंग के अंदर, सब बांध के अच्छे से रख दिए हैं, बस तुरंत तुरंत निकालेंगे, खाली करेंगे और बस पेंट करेंगे अच्छी तरीके से। सारा सामान जाएगा किचन में। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं सारा सामान फटाफट बांध लेती हूँ, सरिया लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और जो भी जैसा भी है सब आप लोग को दिखाएंगे और इंजॉय कीजिएगा पूरा ब्लॉग को मस्ती के साथ। तो चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। कल हम लोग काम करते करते फिर सो गए थे, क्या कि ब्रश नहीं था ना कलर करने के लिए इसीलिए, और सीढ़ी भी नहीं था, हम लोग को सीढ़ी काफ़ी ज़रूरत था और ब्रश का भी, तो ब्रश रात को नहीं था तो इसलिए हम लोग सो गए थे। और अभी मॉर्निंग हो चुका है, मॉर्निंग मतलब 9 बजे और हम अभी शॉप पे उठे हैं। सिमर जी पहले ही शॉप पे उठ चुके थे और कलर मतलब चुना घोले थे उसमें कलर मिला के रखे हुए थे, तो ये लोग कलर कर रहे थे, मेरे को ज़्यादा गंदा कर देते। कौन सा कलर हम लोग कर रहे हैं वो दिखाते हैं आप लोग को, और सिमर जी के गुड़िया दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। और थोड़ी देर में बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी पेंटिंग चल रहा है और कलर हम लोग का ये वाला है, और ये कलर डिसाइड किया सिमर जी ने, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। ये रूम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपना सारा किचन का सामान इधर लेके आऊँगी और सर आऊँगी जो जहाँ था, और किचन कंप्लीट होने के बाद फिर आगे मतलब क्या होता है उसको, हाँ रूम करेंगे। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और हम लोग के यहाँ बारिश हो रही है, कल रात से ही लगता है ठंडा बहुत जल्दी घुसने वाला है। हाँ वेलकम है ठंडा का। तो चलो आज गैस नहीं है ऐसे भी, बाहर जाके थोड़ा मेहनत करना होगा, चूल्हा वूल्हा जला के थोड़ा सा चाय वाय इनके लिए बनाना होगा, कहीं की काम कर रहे हैं ना इसलिए खाना भी बनाना होगा। बारिश तो रुकेगा नहीं, फिर भी तो बनाना तो पड़ेगा ना, चाय सही बोले कि नहीं। और चलो चलते हैं, बर्तन धुलाया हुआ है ऑलरेडी इसलिए दिक्कत नहीं होगी चाय वाय बनाने में। तो चलो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रही है और ब्रश वश कर लेते। तुमने ब्रश किया सिमर जी? बाय।
हमारे सूखने का नाम नहीं ले रहा था, तो फिर हम सोचे क्या करेंगे, आई गए नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता निकालने, और नाश्ता लेके जा रहे हैं, कचौड़ी लेके जा रहे हैं, और लेकिन बारिश रुकेगा तब खाना पीना बनाया जाएगा। वैसे तो खाना है रात का, सब्जी भी है, तो फिर भी बनाना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। घर में खाना चढ़ा के हम आ गए थे, खाना चढ़ा दिए थे चूल्हा में, और उसके बाद हमको कुछ सामान मतलब चाहिए था पेंटिंग के लिए, तो मैं मतलब आ गई मार्केट, सीमा जी बोलते हम जाएंगे, तो फिर हम बोले कि नहीं हम चले जा रहे हैं तुम रहो, और उसको उनको ऐसे भी नींद आ रहा था, तो हम बोले तुम आराम करते रहो, तब तक आ रहे हैं तुम आराम करो। खाना चढ़ा दिए हैं, मोटाई देख रहा है खाना, और जो सामान चाहिए था सारा ले लिए यहाँ पे, और भी कुछ ज़रूरत का सामान होगा तो वो तो हम लोग ऐसे भी घर पूरा रेडी मतलब साफ़ सफाई, और कल घर जाने के बाद आएंगे ही, और बारिश तो इतना कर रहा है रुक रुक के थोड़ा खिचखिची में परेशान हो गया हमको बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से अभी लेके जा रहे हैं, और अभी सीमा जी बोले कि ऑटो से आ जाओ, इतना दूर पैदल मतलब चल गई हो तुम, हाँ खोजते खोजते मतलब बहुत दूर आ गए थे, इस पार्कल खोजने का चक्कर में मतलब केक दुकान छान मारा है, अभी देखो मतलब शॉप में आए तो वहाँ मिल गया, अभी ले लिया, तो चलो चलते हैं घर, अभी सब्जी का तो पता नहीं मुझे, खाना बस बना दिया है, बारिश रुकेगा तो सब्जी भी बना देंगे कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, एक रूम कम्प्लीट हो चुका है ऐसे, उसमें किचन में सामान वगैरह ला के रखेंगे, फिर बेडरूम का मतलब स्टार्ट करेंगे, ये उसी के लिए लेके जा रहे हैं बेडरूम के लिए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू और ढेर सारा प्यार सब करते रहिए, और आप लोग को क्या मतलब अच्छा लगता है ब्लॉग में बताइएगा। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और घर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ क्या हो गया, देखिए सारा सामान यहाँ किचन में आ गया सारा, और टोटल जितना मतलब इस रूम में था कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा है खाली बक्सा, एक फोल्डिंग खटिया मतलब सॉरी एक बॉक्स पलंग, और एक अलमारी, और एक बाकी सारा सामान बाहर निकल गया है, बस यही बचा है, और अभी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे ये रूम को कलर, और स्पार्कल का क्या होगा वो भी आप लोग को देखने मिलेगा, आप लोग ब्लॉग में पूरा देखिएगा। और खाना बन के रेडी है, सब्जी नहीं बनाया पूरा, आगे जितना मेहनत से जलाए थे सब पानी डाल के बुता दिए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा ना कैसे बोले आपको, बताए तो भी दिक्कत, ना बताए तो भी मतलब बताएंगे तो भी परेशानी, ना बताए तो भी परेशानी, इससे अच्छा हम ना ही बताए अपने तक की रखे तो ही बहुत है। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ये रूम को भी कलर करना स्टार्ट कर दिया, सिमर जी देख सकते हैं अभी काम कर रहे हैं, और उधर चढ़ गया ऊपर मोटाई, सारा सामान ऐसे कुछ पड़ा हुआ है हम लोग का, और इधर फोटो देख सकते हैं, ये सबको अभी मैं रख दूंगी बक्सा अंदर, क्योंकि कांच का है ना उसमें रख दूंगी, तो चलो रख देते हैं फटाफट। तो गाइस घर का काम करते करते हलिया हुलिया मतलब उतनी से कम नहीं लग रहा है, इधर साइड में पेंटिंग चल रहा है, ये रूम भी आज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, इसका फाइनल लुक आप लोग को देखने मिलेगा मेरे मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए या कोई सा वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा मतलब घर का ये साफ़ सफाई जो हुआ है, कलर हुआ है, और सामान इधर उधर जो रखाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मेरा मन दिल फेफड़ा सब आज बहुत उदास है, बस रीज़न आपको नहीं बता सकती, कोई ना, बस आप लोग ब्लेसिंग देते रहिए और कुछ नहीं चाहिए।